अस्सलाम वालेकुम ऑलमाइटी के स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मैग्नेट का इलेक्ट्रिक करंट के साथ में क्या रिलेशन है और इसका कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है करंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ में और मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ में। तो दोनों ही एक दूसरे के बेसिकली परपेंडिकुलर होते हैं, उन चीज़ों को हम सारी को स्टडी करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप अपने चैप्टर की तरफ को आगे पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक करंट को इससे पहले वाले चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पढ़ा था और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बनता है तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो चार्ज के फ्लो होने की वजह से बनता है। जैसे हमने आपको बताया था कि चार्ज जो होता है वो एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसका फिज़िक्स के अंदर कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है कि जब चार्ज को डिस्कवर किया गया था तो उस टाइम पर सबसे छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मिला था जो नेगेटिव टेंडेंसी रखता था, और एक छोटा पार्टिकल प्रोटॉन मिला था जो पॉजिटिव टेंडेंसी रखता था। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 मल्टीप्लिकेशन 10^-19 कूलम्ब, और नेगेटिव टेंडेंसी रखने की वजह से इसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ कर लिया करते थे। और प्रोटॉन जो होता है वो हमारे पास में 1.6 मल्टीप्लिकेशन 10^-19 कूलम्ब के साथ में मिलता है, बट पॉजिटिव टेंडेंसी होने की वजह से हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज़ कर लिया करते थे। और अगर इनके मास की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 मल्टीप्लिकेशन 10^-31 केजी होता है। वैसे अगर प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.67 मल्टीप्लिकेशन 10^-27 केजी होता है। यहाँ सिर्फ इससे बताने का मतलब ये है कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से भारी है, उसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसको हमने 9th क्लास में भी स्टडी किया था। और हमने वहाँ पर पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नील्स बोर मॉडल के अकॉर्डिंग कि वो चारों तरफ एक आउटर क्लास ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सेकंड क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये सब कुछ जो स्टडी है इसी बात को डिफाइन करती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से हल्का है, तो उसी वजह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। यही रीज़न हमारे करंट के फ्लो होने का बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है प्रोटॉन की तरफ को, उस वजह से नेगेटिव चार्ज फॉलो करके जाता है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ को। और अगर चार्ज फॉलो करने लगे, सपोज़ करें अगर हमारे पास में कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है और वो वायर के लिए यहाँ से चल के यहाँ तक जाएगा, तो उसके इतने गैप कवर करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो उसी वजह से कहते हैं कि हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जो हमें एम्पियर ने शो किया था। सबसे पहले इसको एम्पियर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। अगर हम इसकी यूनिट यहाँ से बनाना चाहते तो ये भी बना सकते हैं, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो कूलम्ब के नाम से आती है और टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है, तो उस वजह से करंट की यूनिट कूलम्ब पर सेकंड भी बन सकती थी। और ये भी है, सही है, गलत नहीं है, बट एम्पियर ने करंट को सबसे पहले डिस्कवर किया था, तो उसकी वजह से ही एम्पियर के नाम पर ही करंट की यूनिट रखी जाती है। तो आज जो हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, वो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे पढ़ेंगे। बेसिकली हुआ था क्या कि मैग्नेट के लिए क्रिस्टन ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट आता है जो 1820 के अंदर दिया था। उन्होंने बताया था कि किसी वायर में करंट फॉलो करें तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बन रहा है, जिस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। बट ये कोई पहली बार नहीं था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाओ, ये उससे भी 2000 साल पहले इस बारे में स्टडी आ चुकी थी कि इस यूनिवर्स में कुछ पार्टिकल जब फॉलो करते हैं तो उनके चारों तरफ को एक इफेक्ट शो होता है, बट उसका प्रॉपर डेफिनेशन ना होने की वजह से तो इसको बुक में वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन क्रिस्टन ओरस्टेड ने 1820 के अंदर आके इसी एक्सपेरिमेंट को अपने एक्सप्लेन किया, और जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मैग्नेट और मैग्नेटिक जो इफेक्ट बन रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बन रहा है, वो करंट के साथ में एक रिलेशन रखता है। उसी रिलेशन को पहले हम समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है, और वो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती हैं और किस किस तरह से वो प्रॉपर वर्क करता है। तो आइए हम अपने पूरे उस फंडा को समझ लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर धीरे धीरे से बेसिक के साथ में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हमारा बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम इसका।
इससे पहले वाली क्लास की अगर हम बात करें तो हम अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास में सपोज़ ये वायर है और इस वायर के इस एंड से हमारे पास में चार्ज फ्लो हो रहे हैं इस तरह से और इधर को जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो इधर को प्रोटॉन की तरफ को जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ को जा रहा है नेगेटिव की वजह से। तो करंट उसके अपोजिट में इसलिए बनता है कि क्योंकि करंट प्रोटॉन जो होता है एक स्पेशल टाइप का फोर्स लगा के नेगेटिव पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है, उस वजह से हम उस स्पेशल टाइप के फोर्स को ही करंट की टेंडेंसी के अंदर आगे पढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को खींच रहा है उसी को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। अब बेसिकली अगर यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ से करंट फ्लो हो रहा है नेगेटिव की तरफ को, तो इसके चारों तरफ एक लाइनें शो होती हैं, एक फील्ड शो होता है, जिस फील्ड को सबसे पहले क्रिश्चियन ऑर्लिस्टर ने दुनिया के सामने 1820 के अंदर एक्सप्लेन किया कि किसी भी वायर में अगर हम करंट फ्लो कराएं तो उसके चारों तरफ परपेंडिकुलर होता हुआ एक फील्ड बनता है, जिस फील्ड का नाम उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दिया। और उन्होंने यहाँ ये भी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो हैं ये एक वायर के लिए नॉर्थ पोल से निकलती हैं, जनरेट होती हैं और साउथ पोल की तरफ को जाती हैं। अब ये नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का क्या खेल है इसके अंदर, तो इसको हम एक अर्थ मैग्नेटिज्म से ही समझते हैं। बेसिकली हमारी अर्थ के अंदर क्या होता है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल अर्थ की सर्फेस में मौजूद हैं और हमारा अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड क्या है, रोटेशन में रहता है, घूमता रहता है। तो वैसे ही जो चार्ज पार्टिकल हैं वो भी अर्थ की सरफेस में, तो ऐसे वो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल घूमते रहते हैं इस तरह से। और जब वो चार्ज पार्टिकल ऐसे रोटेशन में आएंगे तो हमने ये कहा कि चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहे हैं तो उसके परपेंड उसके दो अपोजिट साइड में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ को जा रहे थे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है। तो सेम वैसे ही अर्थ के मैग्नेटिज्म्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अर्थ के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल का रोटेशन इस डायरेक्शन में है तो करंट उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये करंट हमारी अर्थ की सरफेस पे बन रहा है, लेकिन अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये करंट हमें इफेक्ट में नहीं डालता, ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ता इसका। इसको अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो किसी जो हम तार को जो आसपास से टच करते हैं, यानी कि जिस पर कोडिंग भी रहती है लेकिन उसके आसपास भी छूने की कोशिश करते हैं, और हमारे पैर गीले हों या हम नंगे पैर हों, तो हमारे पैरों के बीच से क्या एक चार्ज पार्टिकल का फ्लोटेशन बन जाता है, जिससे हमें हल्का हल्का करंट महसूस होता है कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है। तो सेम वैसे ही जब यहाँ पे हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म ऐसे रोटेट करेगा, इस तरह से अर्थ का मैग्नेटिज्म रोटेट करेगा, चार्ज पार्टिकल ऐसे फ्लो होंगे तो करंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है। अब करंट अगर इस तरह से फ्लो हो रहा है तो ये क्रिश्चियन ऑर्लिस्टर के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ही मैग्नेटिक फील्ड करंट के परपेंडिकुलर बनेगा, तो उस वजह से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी और वो परपेंडिकुलर होते हुए नीचे को आएंगी। तो ऊपर वाली एक्सिस पे हमने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है कि हमारे पास में नॉर्थ होता है, तो उस वजह से हम ये कह देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकली है और वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकल के ऐसे नीचे वाले पार्ट पर जाएंगे, तो नीचे वाला पार्ट जो होता है साउथ होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ को जाती हैं। उसकी यह हिस्ट्री है, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ को जाती रहेंगी, लेकिन मैग्नेट के अंदर यानी कि किसी भी कंडक्टर बॉडी के अंदर जो होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है, पर आउटर साइड में नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। अब मैग्नेट बनता कैसे, तो अर्थ के अंदर जो हमारे पास में पार्टिकल्स हैं चार्ज पार्टिकल्स, तो ये एक मेटलॉइड की प्रॉपर्टी में रखते हैं जो Fe3O4 नाम का एक स्पेशल टाइप का मटीरियल होता है। यही मटेरियल हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कराता है, इसको मिला के ही हमारे पास में मैग्नेट बनता है। और एक मैग्नेट होने के लिए हमारे पास में सबसे पहली बात है कि वहाँ पे नॉर्थ पोल भी हो और साउथ पोल भी हो। अब वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने और आपने जनरेट नहीं किया, वो तो अर्थ की ज्योग्राफी के ऊपर पहले से ही है, जो हम कॉम्पास के अंदर अपने डायरेक्शन को देखने के लिए करते हैं कि नॉर्थ पोल भी हमारे पास में है, साउथ पोल भी हमारे पास में है। और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों निकली, ये मैंने आपको बताया रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। जैसे ही रोटेशन ऑफ अर्थ होता है तो उसके ऊपर बहुत लिटिल बिट करंट बनता है, उस करंट के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल की तरफ से जनरेट हुआ और साउथ पोल की तरफ को नीचे चला जाता है। तो इसके बाद हमारे पास में जो क्रिश्चियन ऑर्लिस्टर का एक्सपेरिमेंट था, इससे यहाँ पे सक्सेसफुली हमें पता भी लग जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कैसे बन रही हैं। तो अब हम इसे पढ़ लेते हैं अपने लिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस किस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड रहती हैं और ये कैसे कैसे वर्क करती हैं। तो अपने चैप्टर की जो बेसिक हिस्ट्री थी वो यहीं से स्टार्ट हो रही है,
अब हम एक मैग्नेट बनाएंगे, उस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे और किस किस तरह से वो वर्क करेंगे उनको फिर आगे स्टडी स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले अब अपनी बात करेंगे कि कोई एक मैग्नेट ले लेते हैं, और मैग्नेट जो होगा वो हमने अभी बताया आपको Fe3O4 नाम का एक मेटलॉइड मेटलॉइड होगा जिसकी ये मैग्नेट होगा। तो ये सपोज हमारे पास में मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अंदर हमारे पास में ये पोल नॉर्थ है और ये वाला पोल साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलेगी, ये हमने यहाँ पे बताया आपको अर्थ की रोटेशन की वजह से, क्योंकि जैसे ही जैसे हमारा अर्थ घूमेगा उसके साथ साथ चार्ज पार्टिकल भी मूव करेंगे, और अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और वो जो करंट फ्लो होगा उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल की तरफ से निकला है और साउथ पोल की तरफ को गया है, तो उसी वजह से हमारे पास में किसी भी मैग्नेट के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसके लिए नॉर्थ पोल भी होना ज़रूरी है और साउथ पोल भी होना ज़रूरी है एक ही मैग्नेट के अंदर। कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते किसी हैमर से तोड़ के कि हम नॉर्थ पोल को अलग कर लें साउथ पोल को अलग कर लें और फिर ऐसा करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना रही है यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म पे। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएंगी, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर जनरेट हो गई, अगर नॉर्थ पोल से निकल गई तो वो साउथ पोल की तरफ को जाने भी कंपलसरी है, तो उस वजह से हम दोनों मैग्नेट को मैग्नेट के दो पोल को अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों पोल को एक में ही रखेंगे। अगर हम इन्हें अलग करेंगे, सपोज करो हमने हैमर से इस मैग्नेट के दो पीस कर लिए और इधर वाला नॉर्थ था इधर वाला साउथ था, तो ऑटोमेटिक ही उस मैग्नेट को, क्योंकि वो अर्थ के ऊपर तो होगा ही होगा, तो दैट्स वाई हमारे पास ज्योग्राफी का नॉर्थ पोल साउथ पोल फिर भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो उसी वजह से उस मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑटोमेटिक खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगे। तो मैग्नेट तो दो पार्ट में हो जाएगा लेकिन उसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल फिर भी ख़त्म नहीं होंगे, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल फिर भी रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए हमें यही समझना ज़रूरी है कि हमारे पास में मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी होना चाहिए और साउथ पोल भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों पोल को ब्रेक अगर हमने अलग अलग कर लिया यहाँ से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज करो नॉर्थ पोल से निकल गई, अब क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे, क्लोज लूप बनाने के लिए साउथ पोल का होना ज़रूरी है, साउथ पोल अगर इसके पास नहीं होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, जिसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो नहीं होगी। तो ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है। तो हमें किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाने के लिए तो नॉर्थ पोल का भी होना ज़रूरी है, साउथ पोल का भी होना ज़रूरी है एक ही मैग्नेट के अंदर, इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। तो हम पहले अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक है और हमारे चैप्टर का, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर की हिस्ट्री में आके जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकली है, साउथ पोल की तरफ को गई है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप क्रिएट करेंगी। क्यों करेंगी क्लोज लूप क्रिएट, वो यहाँ से हमने देख लिया रोटेशन ऑफ एक्सिस की तरफ से, क्योंकि अर्थ घूमेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ को खुद ब खुद जा रहा है, तो क्योंकि ये गोल घूम रहा है, तो इस वजह से हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरा गोल घूम के आएंगी। अब ये हमने समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली है साउथ की तरफ को गई है, बट मैग्नेट के इनसाइड अंदर वाली साइड में यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से निकल के आएगी और नॉर्थ की तरफ को जाएगी, क्योंकि क्लोज लूप क्रिएट करने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा लूप बंद हो हमारे पास में। अब पूरा लूप तो बंद तभी होगा जब वो यहाँ से पूरा एक अपना गोल चक्कर पूरा लगाएगा। तो आउटर साइड में तो हमने नॉर्थ से साउथ मान लिया, लेकिन अंदर वाले साइड में वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ की तरफ से चल के नॉर्थ की तरफ को आएगा। तो ये इसके बाद में दूसरी हमारे पास में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे निकली यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल यहाँ पे भी क्रिएट हुई है, सपोज यहाँ पे भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हमारी चल रही हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हमारे पास में ये जनरेट हो गई हैं। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल होना ज़रूरी, सबसे पहली बात। दूसरी बड़ी बात कि मैग्नेट के अंदर से हम नॉर्थ पोल साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योग्राफी के अर्थ के नॉर्थ को हम अलग नहीं कर सकते ना साउथ को हम अलग कर सकते हैं, और ये उसी की बेस की प्रॉपर्टी पे वर्क भी कर रहा है, उस वजह से जब हम उनको अलग नहीं कर सकते तो इसको भी अलग नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास में जितनी भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को हम ब्रेक भी नहीं कर सकते, रोक भी नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते, क्योंकि जब अर्थ के एक्सिस के रोटेशन को हम नहीं रोक सकते और अर्थ के एक्सिस के रोटेशन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें घूम रही हैं,
तो उसी वजह से किसी भी हम आर्टिफिशियल अगर मैग्नेट की बात करेंगे तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को भी हम ब्रेक नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। अगर हम सपोज करें कि यहाँ कोई शीट लगा लें और हम चाहें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो ऐसे फ्लो हो रही थी वो यहाँ रुक जाएँ, वो रुकेंगी नहीं, वो इसके अंदर से पास आउट होकर फिर दूसरे साउथ पोल की तरफ को जाएंगी अगर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें क्रिएट हो रही हैं। तीसरा, अगर हम कभी भी कोई भी टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइनों के ऊपर डिनोट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वो टेंजेंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करता है। दोबारा से फिर सुनिए इस वर्ड को, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि जब भी कभी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये भी हमारे पास में इसका ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमने बनाई है यहाँ पे क्रिस्टियन ऑलस्टर के एक्सपेरिमेंट को जो हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमारे पास में बन दिए हैं, क्रिस्टियन ऑलस्टर ने ये बताया था कि किसी भी वायर में अगर हम करंट फ्लो कराएं उसके चारों तरफ फील्ड बनता है। अब ये जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि इसके अंदर हमें कैसे पता लगे किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि वो नॉर्थ पोल किस तरफ है, साउथ पोल किस तरफ है। तो उसके लिए मैक्सवेल साइंटिस्ट हुए और उन्होंने एक लॉ बताया जिसे मैक्सवेल थंब रूल भी कहते हैं हम, या राइट हैंड थंब रूल भी हम बोलते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल से या मैक्सवेल थंब रूल से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि किसी भी वायर में फ्लो होने वाली करंट के लिए उसका नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में होगा, साउथ पोल किस डायरेक्शन में होगा, और उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कैसे जनरेट होती हैं। तो हम इसे आप यहाँ पर अपने इस जो मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट था, मैक्सवेल ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो किया था, उसको यहाँ पर देखेंगे कि वो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बन के आती हैं। तो सपोज़ करो ये हमारे पास में कोई वायर है और इस वायर के अंदर हमारे पास में यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर ये करंट फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये सीधी यहाँ से ऊपर जाएगी ऐसे। तो हमें इस वाली डायरेक्शन के अंदर अपने राइट हैंड का जो थंब है वो ऊपर दिखाना है, जैसे करंट वैसे ही थंब दिखाना है। सपोज़ करो ये हमारे पास में कोई वायर है और इस वायर के अंदर को ऊपर को करंट जा रहा है, तो हमें इसी डायरेक्शन में अपने थंब को करना है और बाकी जो चार उंगलियां हैं ये ऐसे कर्ल करके मोड़ के इसके चारों तरफ को ऐसे शो करानी है इस तरह से। तो अगर ये हमारे पास में कोई वायर है तो इस वायर के ऊपर को करंट ऐसे फ्लो हो रहा है सपोज़ करो, तो उसके लिए हमें थंब ऐसे रखना है और बाद की जो चार उंगलियां ये हमें बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कैसे हमारे पास में निकल रही हैं। तो ये चारों तरफ को जो कर्ल करके आ रही हैं इस तरह से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करेंगी यहाँ से। अब ये कैसे पता लगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के लिए नॉर्थ पोल कहाँ से बना और साउथ पोल कहाँ से बना, तो उसको भी देखो यहाँ से समझेंगे कि जब हम किसी वायर को लेंगे और उस वायर के लिए हम थंब को ऊपर करेंगे तो अपने हाथ को सीधा रख के नहीं करना है, कर्ल कराना है, कर्ल करा के यहाँ पे मोड़ के ऐसे चार उंगली को ऐसे रखना है। तो इससे हमें पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है जहाँ जिस पॉइंट से करंट फ्लो होकर जनरेट होना शुरू हुई, यानी कि उसी पॉइंट पे वो नॉर्थ पोल बना और उसके पीछे वो वापस मैग्नेटिक फील्ड लाइनें आके क्लोज लूप बनाएंगे तो वापस उसी पॉइंट पर मिलेंगी। तो जब उसके पीछे वाले पॉइंट पर आके मिलेंगी तो उसको बोलेंगे हम अपने साउथ पोल। तो इसके लिए हम चार केस बना सकते हैं यहाँ पर अपने। सपोज़ ये वायर ए बी था जिसके अंदर अपने अपने करंट को ऊपर को फ्लो कराया और उसके अंदर फ्लो होने वाले जब करंट हुआ तो उसके चारों तरफ को जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी हमने डायरेक्शन को यहाँ पे निकाल लिया। तो उसके बाद हमारे पास में अगर इसी वायर को हम उल्टा करके लगा लें, सपोज़ ऊपर वाला पॉइंट बी है, नीचे वाला पॉइंट ए है और हमने अब करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया है, तो ये करंट की डायरेक्शन को जो हमने अपोजिट कर दिया है, अब उसके लिए हम अपने जो राइट हैंड का जो थंब है उसको नीचे को करेंगे और जो बाकी चार उंगलियां हैं वो इसके आउटर साइड में ऐसे कर्ल करके आएंगी। जब वो इस तरह से कर्ल करके आएंगी लाइनें चारों तरफ को, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो हैं इस तरह से फ्लो हो रही हैं। तो अब अगर पहले वाले केस में देखो, हम यहाँ से हमारे पास में ऐसे अंदर जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अंदर वाली साइड में जो कर्ल कर रही थी, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो इनटू द बोर्ड है। मेरे सामने बोर्ड है तो ये इनटू द बोर्ड है, आपके सामने कॉपी का पेज हो सकता है तो आप उसे इनटू द पेज भी लिख सकते हैं। दोबारा से फिर इस पॉइंट को समझना कि ये हमारे पास में एक ए बी वायर है, इसके अंदर हमने नीचे से करंट फ्लो कराया, जब नीचे से करंट फ्लो कराया तो थंब की डायरेक्शन हम जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है उधर रखेंगे और बाकी चार उंगलियों को ऐसे कर्ल करके मोड़ के रखेंगे। अब जैसे ही वो अंदर वाले डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब इसके अंदर होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द बोर्ड, यानी कि बोर्ड के अंदर जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है। तो इसे इनसाइड द बोर्ड लिखूंगा मैं अपने पास में, क्योंकि मेरे पास में बोर्ड है, इनसाइड द बोर्ड।
बट आपके पास में कॉपी का पेज भी हो सकता है या आप कुछ भी ले सकते हैं उस एग्जांपल के तौर पे। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किसी वायर के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। अगर हम इस वाले वायर की बात करें, ये वाला वायर हमारे पास में बी और ये हमने पॉइंट ले लिया ए, इसमें करंट अब हमने नीचे को फॉलो करा दिया तो हम अपना थंब नीचे को करेंगे। अब बाकी जो चार उंगलियाँ हैं वो आउटर साइड में देखो बाहर को निकलते हुए कर्ल करके आ रही हैं, जो मोड़ के हमने रखा है ऐसे। यहाँ पे अंगूठा नीचे करा और बाद की चार उंगलियाँ मेरी अपने आप ही बाहर की तरफ को मुड़ रही हैं। तो इससे मुझे पता लग जा रहा है कि मेरे इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो नीचे को हो रहा है और उसके चारों तरफ को जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ को निकल के आ रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है इसके लिए वो आउटसाइड ऑफ द बोर्ड है, आउटसाइड ऑफ द बोर्ड। आप इससे आउटसाइड ऑफ द पेज भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में इनसाइड ऑफ द बोर्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ऊपर को हुआ, अगर नीचे का हुआ तो हमारे पास में आउटसाइड ऑफ द बोर्ड। अब इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट आप खुद से सोचो, खुद से देखो और फिर बनाओ कि अगर हमने सपोज ये कोई वायर ले लिया है और उस वायर लेने के बाद हमने यहाँ पे ये ले लिया है कि वायर ये पॉइंट ए लिया है, ये पॉइंट बी लिया है और हमने ए से बी में करंट फ्लो कराया है। अब करंट ए से फ्लो हो रहा है इसका मतलब थंब इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आप खुद से सोचो क्या बनेगी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन उंगलियों को कर्ल करके रखना है, मोड़ के रखना है, सीधा नहीं रखना है। बस यही सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग बहुत सारी कि हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब भी डायरेक्शन निकालते हैं तो अंगूठा तो करंट की डायरेक्शन में कर देते हैं पर अपनी फिंगर्स को जो है सीधा रख देते हैं। सीधा नहीं करना है, मैक्सवेल ने बताया था कि कर्ल करके रखना है, मोड़ के रखना है। तो मोड़ के यहाँ पे रखेंगे, जब मोड़ के रखेंगे तो हमें अपने आप पता लग जा रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ जा रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। उसके बाद हमारे पास में अगर इस तरह का वायर हम दूसरा ले लें कोई, ये सपोज़ हमने बी पॉइंट ले लिया, ये ए ले लिया और वापस करंट अब हमने दूसरी साइड में फ्लो करा दिया है, तो इन दोनों के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड इसकी सिचुएशन के लिए आप खुद से पता करो, खुद से देखो किस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बनेंगी। क्योंकि राइट लेना है लेफ्ट नहीं लेना, पहले तो काम यही करना, क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड ले लेंगे तो हमारी डायरेक्शन उल्टी बन के आ जाएगी। देखो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट लेंगे तो ये हमारी कल जो जा रही है वो नीचे की तरफ हो जा रही है, इनसाइड अंदर वाली तरफ को। अगर हम राइट लेंगे तो इससे पता लग जाता है कि आउटसाइड में आ रही है। तो जो हमें राइट हैंड ही यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड यूज़ नहीं करना है इसके लिए। अगर लेफ्ट हैंड यूज़ कर लेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी गलत बन सकता है। तो ये किसी भी वायर में फ्लो होने वाली करंट के चारों तरफ बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। और मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है क्योंकि ये नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ को जाता है, तो डायरेक्शन की वजह से इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता हो और उसकी डायरेक्शन भी होता हो। अब बात है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं जिसकी फिक्स वैल्यू है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसको हम चेंज ना कर सकते हो। सपोज 15 इज़ मैग्नीट्यूड, 20 इज़ मैग्नीट्यूड, 30 इज़ मैग्नीट्यूड। तो जो वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसको हम चेंज ना कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। बट डायरेक्शन वो जो हमें पहले से ही प्री डिफाइन हो कि हमें किस तरफ से निकल के किस साइड जाना है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए हमें पता था कि नॉर्थ पोल से निकलना है, साउथ पोल की तरफ को जाना है। तो इसका मतलब तो ये साफ था कि जब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली है, साउथ की तरफ को गई है, तो डायरेक्शन पहले से पता है। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए सपोज 15, 20, 30 ये मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हम अगर SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट हमारे पास में होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला भी एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पहले बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोपेगेट होती हैं, जो चलती हैं, वो हमेशा नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ को चलती हैं। वो अर्थ मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो टेस्ला साइंटिस्ट नहीं दिया था, तो उस वजह से इसकी जो यूनिट है हमारे पास में वो टेस्ला होती है। दूसरी यूनिट इसकी, जैसे हमारे पास में करंट की यूनिट आपने सुना होगा कि एम्पियर होती है, सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी टेस्ला होती है। वैसे ही दूसरा करंट की जो यूनिट थी हमारे पास में I=Q/T करंट का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉलम पर सेकंड। तो सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की जो दूसरी यूनिट होती है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है।
वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट याद रखेंगे, एग्जाम में दोनों पूछ लिया जाता है, बहुत सारी बार पूछ लिया जाता है, और आपके इस बार तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो उसमें टेस्ला दे या वेबर दे, ये टेस्ला ऐसा यूनिट होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और ये जो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है ये हमारे पास में एमकेएस यूनिट होता है, ये याद रखेंगे, ऐसा यूनिट बोले तो टेस्ला, एमकेएस यूनिट बोले तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ऐसा यूनिट में और एमकेएस यूनिट में फ़र्क क्या होता है, तो वो नाइन्थ क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और नाइन्थ क्लास के हमारे पास में एक चैप्टर है फोर्स लाइन मोशन, उसके अंदर इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेन भी किया गया है। उसके बाद अगर हम इस टेस्ला की बात करें, तो ये जो टेस्ला है इसे हम एक और यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वन टेस्ला जो होता है हमारे पास में वो गॉस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और ये गॉस भी एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, वो इससे पहले वाले इलेक्ट्रिक सिटी वाला जो चैप्टर होता है उसके अंदर इसका थोड़ा सा हिंट है, और बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन गॉस लॉ का वो 12th क्लास में है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इसका यूनिट याद रख लेना है कि 1 टेस्ला की जो वैल्यू होता है वो 10^4 गॉस होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10^4 गॉस। अगर गॉस के अंदर हम टेस्ला काउंट करें तो 1 गॉस की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10^-4 टेस्ला हो जाएगी, क्योंकि जब 10^4 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1/10^4 टेस्ला इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे गॉस, और अगर हम गॉस की वैल्यू से 10^4 को नीचे से ऊपर ट्रांसफ़र करें तो ये पावर माइनस में चली जाएंगी, तो 10^-4 टेस्ला इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास में गॉस, तो ये 1 गॉस की वैल्यू अगर हम बात करें तो 10^-4 टेस्ला, और अगर हम एक टेस्ला की बात करें तो 10^4 गॉस। ये जो हमारे पास में तीन यूनिट आई हैं, तीनों की तीनों हमारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, ऐसा यूनिट टेस्ला होगा, एमकेएस यूनिट मीटर वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, और ये जो गॉस वाली यूनिट आई है हमारे पास में ये सीजीएस यूनिट होता है इसका, गॉस वाला। तो ये तीनों के तीनों हम इसके यूनिट याद रखेंगे, और इसका यूनिट जो हमने निकाला है वो यहीं से फॉर्मूले से, इसका जो है 12th क्लास में फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको उसके बारे में आगे आगे बड़ी क्लास में जाके आपको अच्छे से एक्सप्लेन मिलेगा कि किस तरह से इन यूनिट को हम निकाल के लाते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अगर किसी वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं और उसके चारों तरफ को मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उस पर और किस किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है और किस किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आइए उसको भी समझते हैं। जो हमारे पास में हेडिंग है, नया हेडिंग इसके बाद का ही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बाद का, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा टॉपिक है ये भी, समझने का टॉपिक है, बहुत बार हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमसे, और इसके अंदर से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी कि जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो करंट बन रहा है, और करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यहाँ हमने शो कर लिया, अब उनकी वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगी, एक दूसरे के साथ में कैसे रिलेट रहेगा, तो वो इस टॉपिक के अंदर हम यहाँ पर समझ में आ जाएगा। मे बी शायद आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, अब आप इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, उसके बाद आराम से इसे लिख लेना। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, अब सपोज करो ये हमारे पास में वायर था, इसी वायर के अंदर हमने यहाँ पे करंट फ्लो कराया है इस तरह से, और जब करंट फ्लो कराया तो चारों तरफ को मैग्नेटिक फील्ड बना। अब हमें पता करना है इस करंट के, इसके ऊपर जो करंट फ्लो किया है हमने यहाँ इसके अंदर, करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब बेसिकली जितना हाई करंट इस वाले वायर के अंदर, सपोज इस वायर की जो लेंथ है वो ए बी है, और उस लेंथ को हम एल से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे, तो जितना ज़्यादा करंट इस वायर के अंदर बनेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के चारों तरफ को क्रिएट होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक क्रिएट होगा, जितनी इस वायर की लेंथ होगी, तो इसके कंडक्टर का जो इसके अंदर कंडक्टर है चारों तरफ को जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, अब इस कंडक्टर पर लगने वाला जो फोर्स होगा उस फोर्स को एक्सप्लेन किया गया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ से हम पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सीखेंगे, उसके बाद में फिर अपने इस जो कंडक्टर हमारे पास में दिया गया है इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, उस सारी चीज़ों को देखेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इम्पोर्टेंट रूल है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अपने हाथ का जो हमारे पास में हैंड है उसका लेफ्ट, उसके लेफ्ट के लिए हम पास का जो अंगूठा थंब और दो उंगलियां जो फर्स्ट वाली फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाएंगे, ऐसे जैसे मेरी हो रही है। देखो यहाँ पे ये जो थंब है हमारे पास में ये ऊपर, और ये जो फर्स्ट वाली फिंगर है ये सामने वाली साइड में ऐसे, और ये सेकंड वाली फिंगर है ये ऐसे। तो फर्स्ट वाला जो थंब है ये मैग्नेटिक फील्ड जब किसी वायर में फॉलो होता है तो ये फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो ये फोर्स से डिनोट करेंगे। और ये जो फर्स्ट वाली फिंगर होती है हमारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है, और उसके बाद में ये जो सेकंड और थर्ड सेकंड वाली फिंगर होती है ये हमारे पास में करंट की डायरेक्शन को डिनोट करती है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए इस तरह से, बिल्कुल एकदम कैसे भी घुमा लीजिए आप इनको, बट ये परपेंडिकुलर ही हों एक दूसरे के, ये फ्लेमिंग का रूल है। तो इसको अगर हम फोर्स को एफ फोर फादर, बी फोर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम एम से भी शो कर सकते हैं, एम एम का मतलब मदर और सी सी का मतलब चाइल्ड। तो फादर मदर चाइल्ड ये हमारे पास में निकल के आया। एफ फादर, फादर का मतलब फोर्स, फोर्स क्या है किसी भी वायर के, जब भी किसी भी वायर में हम करंट फ्लो कराएंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसके ऊपर फोर्स भी लगेगा परपेंडिकुलर ही, तो उस फोर्स को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, एफ फॉर फादर। अब ये एम जो है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह बनेगा जब किसी वायर में करंट फ्लो हो जाएगा, क्रिस्टल ऑरेस्टर के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने बताया यहाँ पे, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कराएंगे तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये वही मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद में ये करंट, करंट हम जो फ्लो कराएंगे किसी वायर के अंदर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को जब हम लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट थंब एंड फर्स्ट फिंगर एंड सेकेंड फिंगर, जब हम दोनों फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाएंगे तो इसके अंदर जो फर्स्ट वाला हमारे पास थंब होगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है, थंब मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। उसके बाद में जो फर्स्ट फिंगर होगा वो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करेगा, और उसके बाद में जो हमारे पास में सेकंड फिंगर होगा वो किसी भी वायर में फ्लो होने वाले करंट को शो करेगा। तो इन सारों को अगर हम यहाँ पे बना के देखें, सपोज हमारे पास में ये ऊपर को थंब आया है निकल के, तो इसका मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन को, इस साइड में हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड गया है और नीचे वाले डायरेक्शन में ये हमारे पास में करंट गया है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही हैं। अगर मैं यहाँ पे इन पिन शो करने के लिए आऊँ तो ये मेरे पास में कुछ इस तरह से हैं, सपोज देखो यहाँ पे ये मेरे पास में ऊपर वाले डायरेक्शन में, ये सामने वाले डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के तीनों। तो ये अगर मैं मान लूँ कि ये फोर्स है एफ, ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड हुआ और ये हमारे पास में करंट की डायरेक्शन हुआ, तो देखो ये इसके साथ में परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे, ये इसके साथ में परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे, और ये भी इसके साथ में परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे, घुमा के रख लीजिए यहाँ पे इसे ऐसे ही। तो आपको तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाना है, और जो फर्स्ट वाला जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करेगा, जो फर्स्ट फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को डिनोट करेगा, और जो सेकेंड वाला फिंगर होगा वो करंट की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। ये तीनों की तीनों डायरेक्शन के बारे में हमने लिखना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई कि किसी भी वायर के अंदर अगर हमने करंट फ्लो कराया तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, बट उस वायर के ऊपर एक फोर्स भी लगेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। ये हमें समझना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या मतलब आया उसका, कि किसी भी वायर के ऊपर करंट तो फ्लो होगा ही होगा। अब करंट फ्लो होगा तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही बनेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उस वायर के ऊपर एक फोर्स भी लगेगा। बस ये हमें यहाँ से समझना बहुत ज़रूरी था, उसके ऊपर एक फोर्स भी लगेगा। एक मिनट रुकिए, अभी हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो आ जाइए अपने वापस टॉपिक के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे, और हम जो पढ़ रहे थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा है कि किसी भी वायर के ऊपर जब हम करंट किसी भी वायर में जब हम करंट फ्लो कराएंगे ऐसे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, बट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग उस वायर के ऊपर एक फोर्स भी लगेगा। एक क्या लगेगा? फोर्स भी लगेगा। तो ये फोर्स भी हम उसके ऊपर लगाएंगे। ये चीज़ों को हमें यहाँ पर सीखना है क्या कि अगर किसी वायर के अंदर हमने करंट फ्लो कराया तो करंट फ्लो कराने का मतलब उसके चारों तरफ को मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, बट उस वो एक फोर्स भी लगेगा। अब उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी उसके लिए अब हम अपना ये फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर जो हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है इसके अंदर उस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर मे बी आई होप तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ उसे, फिर ठीक से समझ लेना, देख लेना कि किसी भी वायर के अंदर फ्लो होने वाली करंट जो होगी वो हमेशा हम इस ना अपनी सेकंड वाली फिंगर से डिनोट करेंगे और उसके चारों तरफ बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो फर्स्ट वाली फिंगर से डिनोट करेंगे और उस कंडक्टर पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो हम F से डिनोट करेंगे। तो F फॉर फादर, फादर का मतलब हमारे पास में फोर्स, लगने वाला फोर्स, और M का मतलब मदर, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और C का मतलब चाइल्ड। तो हम सिंपल सा याद रखते हैं, फादर मदर चाइल्ड सबके घर में होते हैं, हमारे घर में भी है, मैं खुद चाइल्ड हूँ, तो ये सब के घर में होते हैं। तो इस वजह से फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, तो इन तीनों चीज़ों को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। उसके बाद अब इसी से हम जो फोर्स की वैल्यू होती है उस फोर्स की वैल्यू को पता करते हैं कि कैसे कैसे वो निकल के आएगा। तो आइए अपने इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए अपने जो टॉपिक चल रहा है उसको आगे देख लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आपने जो देखा है वो ये समझा है कि किसी भी वायर में फ्लो होने वाली करंट, जो यहाँ पे करंट निकल के आ रही है, ये सपोज़ यहाँ पे करंट जा रही है आई, अब इस करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड टैन करके, और ये हमारे पास में सपोज़ मान लो इसकी लेंथ है ये ए बी, तो इस लेंथ तक ही बनेगा ये भाई मैग्नेटिक फील्ड टिशुम, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मजा आ गया। तो ये जो फोर्स होगा बेसिकली ये फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लो होने वाली करंट के। क्यों? क्योंकि अगर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, फ्लोमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास में अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं बनेगा तो कंडक्टर पे फोर्स भी नहीं लगेगा। सच्ची बात है, बिल्कुल एकदम दिल से। अब उसके बाद आ रही है सेकंड, कि ये जो फोर्स होता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्रिश्चियन रोस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये हमने पढ़ लिया, क्या क्रिश्चियन रोस्टर्ड ने बता दिया था हमें किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कराएंगे तो उसके चारों तरफ को मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको हम पता निकाल के ला रहे हैं बस इस अपने इस एक्सपेरिमेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के ऊपर भी होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा चारों तरफ वो फिर भी फोर्स के ऊपर भी होगा। उसके बाद थर्ड बात ये है यहाँ से कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये कितनी दूरी तक बनेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ा है ना कि कंडक्टर तो हमारे पास में याद तक और मैग्नेटिक फील्ड इनफिनिटी तक बन जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, और ना फोर्स लगेगा ऐसे, बल्कि जितना इस वायर का लेंथ होगा उस लेंथ के रेस्पेक्ट में ही हमारे पास में फोर्स लगेगा। यानी जितनी बड़ी लेंथ वायर की वहीं तक फोर्स, उसके बाद का हमें नहीं पता, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वहीं तक फोर्स लगेगा। इसका मतलब लगने वाला फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तीन फैक्टर हो गए हमारे पास में, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, सेकंड फैक्टर हो गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, थर्ड फैक्टर हो गया हमारे पास में फोर्स इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। अब एक फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दिल से फील करना, मजा आ जाएगा सच में। मैं इसका थोड़ा सा ऑपरेशन यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, ये सबसे समझने वाला इंपॉर्टेंट है। तो सपोज हमने यहाँ पे करंट फ्लो कराया और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बना इस तरह से, इसे थोड़ा सा और बड़ा सा करके लाते हैं इस तरह से। अब देखो यहाँ पे बनेगा क्या, ये मैग्नेट ये हमारे पास में है वायर इस तरह से, करंट भी फ्लो हो रहा है ऐसे, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे। तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पे होगी भाई, देखो यहाँ पे ये। तो इसका मतलब अगर वायर की लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ देखो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा,
क्योंकि यहाँ देखो इस वाले के लिए ये सबसे ज़्यादा विड्थ तक मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ गया है। अब यहाँ जो गया है इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा वायर के, यहाँ पे ये रहा वायर के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो होता है 90 डिग्री। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की सबसे ज़्यादा वैल्यू 90 डिग्री पे होती है। अब हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है, तो इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। सपोज़ करो इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट के लिए हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बहुत कम है, देखो यहाँ से थीटा कम हो गया, और अगर और पास लाएँ तो थीटा और कम, और पास लाएँ तो थीटा और कम। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब सबसे ज़्यादा 90 डिग्री पे है तो इसका मतलब फोर्स भी सबसे ज़्यादा 90 डिग्री पे ही लगेगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इफ अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो हमें इस बात का पता लग जाएगा साइन 91 होता है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ लिया है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 रखेंगे तो फोर्स उस टाइम पर सबसे ज़्यादा होगा। अगर थीटा की वैल्यू कम, कितनी कम, मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में 30 डिग्री हुआ तो जो हमारे पास में थीटा 30 तो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 यानी कि 0.5। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया हमारे पास में, हाफ हो गया, आधा हो गया। तो ये समझ में आ रहा है हमें चारों फैक्टर, कि फर्स्ट वाला जो था हमारे पास में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा फोर्स हमारे पास में जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तीसरा जो फोर्स होता है वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ थीटा में चेंज होगा, 90 डिग्री पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब फोर्स साइन 90 ही मैक्सिमम वैल्यू देता है, 1 देता है, इसलिए हमने साइन ही यूज़ किया है, कोस नहीं किया। अगर मान लो हम यहाँ पे कोस यूज़ कर लेते, ऐसा कर लेते कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा मान लेते हैं बस, और हमने पता है कि थीटा परपेंडिकुलर बन रहा है, तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब कोस 90, अब कोस 90 कितना होता है ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया 0। इसका मतलब जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0 तो इसका मतलब डायरेक्टली ये हुआ कि फोर्स 0 हो गया। अब फोर्स तो सबसे ज़्यादा होता है जब वो 90 डिग्री पर लगता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर कोस रखें तो 0 दिखा रहा है, तो इसका मतलब कोस अप्लाई नहीं करेगा, अप्लाई कौन करेगा फिर, साइन, बिकॉज साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो उस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हम निकालेंगे साइन 90 पे सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा साइन 90 पे वैल्यू। अब ये जो हमारे पास में चार फैक्टर निकल के आए, इन चार के चार फैक्टर को हम यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, ये यहाँ से रफ कर लेते हैं इसका, अगर आपको लिखना हो नोट करना हो ऐसा कर लेना। अब ये जो चार फैक्टर हमारे पास में निकल के आए, इन चारों फैक्टर को हम अपने यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हम इसे लिखेंगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बी एल साइन थीटा। ये चार फैक्टर, इक्वेशन फर्स्ट 2, 3 एंड 4, चारों की हमने RHS साइड को इधर रखा बिकॉज LHS साइड सबके क्या है, इक्वल है। तो ये हमें बात यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बी एल साइन थीटा। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी है, जब भी हमें ये प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा मिल रहा है तो इसको हटाना होता है। अब इसको अगर हटाएंगे तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट, अब कौन कॉन्स्टेंट लाएंगे, वो लाएंगे हम बढ़िया वाला कॉन्स्टेंट। एक चीज़ यहाँ से और समझ से चलना कि अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ी तो इन चारों फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी। अगर फोर्स की वैल्यू सपोज़ मान लो कम हुई, डिक्रीज हुई, तो इसका मतलब इन चारों फैक्टर की वैल्यू भी साथ साथ में कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। करंट भी घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा, लेंथ भी घटेगा, और साइन में थीटा की वैल्यू भी कम होगी अगर फोर्स की वैल्यू कम हो गई। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम कोस की उसकी बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंट की, तो इसको हटा लेते हैं कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगा के, और सपोज मान लेते हैं इसका जो कॉन्स्टेंट है वो के है, तो एफ इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया आई बी एल साइन थीटा और के इज़ द कॉन्स्टेंट। अब मैथमेटिकली प्रोसेस के लिए एयर का रेजिस्टेंस 1 होता है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे रख सकते हैं के इज़ 1 कॉन्स्टेंट की वैल्यू। जब के की वैल्यू 1 तो हम इसको अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास में ये निकल के आ जाएगा कि एफ इक्वल्स टू 1 आई बी एल साइन थीटा। माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी बुक में थ्योरी के अंदर दे रखा है, मैं आपको इसे थोड़ा सा ना अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ इसकी वैल्यू अलग अलग लिख के, आप घबराना मत ये क्या कर दिया यहाँ पे, ये तो हमारी बुक में कहीं भी नहीं लिख रहा है ऐसा एफ इजल टू आई बी एल साइन थीटा। लिखा मिलेगा आपको एस चांद के अंदर, लिखा मिलेगा आपको लक्ष्मीकांत की बुक में अंदर, लिखा मिलेगा आपको ये
अरिहंत के अंदर लिखा मिलेगा। तो ये मिलेंगे आपको फैक्टर ऐसा नहीं है, बट एनसीईआरटी ने इसी चीज़ को थ्योरी में एक्सप्लेन किया है, उसने ऐसे लिख लिख के एक्सप्लेन नहीं किया है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो आप इससे डरना मत बिल्कुल भी, ये क्या लिख दिया है, आपको इसे थ्योरी में लिख सकते हैं, मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। तो ये वन की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गई, तो एफ इजिकल्स टू हमारे पास में हो जाएगा IBL साइन थीटा। और अगर ऐसा मान लें हम, सपोज कर लें इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मान भी लें, हमें पता है यहाँ पे कि किसी भी वायर में जो हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड हम 90 डिग्री वाला ले लें तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है यहाँ पे। तो ये हमारे पास में अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लें तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास में निकल के आ जाएगा फिर एफ इज इक्वल्स टू IBL साइन 90 एंड देन साइन 90 होता है वन मल्टीप्लीकेशन BIL इज इक्वल्स टू एफ। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में BIL, वो आगे पीछे लिख दिया मैंने यहाँ से IBL को BIL कर दिया। ऐसे ही आपको सिंपल से याद रखने के लिए, क्यों याद रखने के लिए, क्योंकि किसी भी कंडक्टर पे लगने वाला जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी वैल्यू BIL होगी। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड I का मतलब करंट, L का मतलब लेंथ, L का मतलब क्या हुआ फोर्स। हा हा मुझे बताओ सांप कहाँ रहता है, सांप स्नैक कहाँ रहता है, बिल में रहता है। तो इसका मतलब सांप जब बिल में रहता है तो हमारा फोर्स भी बिल में ही जाके लगेगा, टिश रहेगी, याद रहेंगे ना। हाँ सांप बिल में रहता है तो फोर्स भी बिल में जाके लगेगा, याद रखेंगे इसे। तो इसे लिख लेंगे, उसके बाद अब हमारे पास में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आने वाला है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल। ये हमारे पास में था स्ट्रीट वायर के लिए जो हमने निकाला है, अब उसके बाद में आएंगे सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल के लिए। आप लोग जो टेंथ के बच्चे हैं वो इससे डरना मत कि डेरिवेशन क्या करा दिया, हमारी बुक में तो दे नहीं रखा। तो आप इस चीज़ को थ्योरी में लिखेंगे कैसे, थ्योरी में, कि किसी भी स्ट्रेट वायर कंडक्टर के लिए हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके परपेंडिकुलर में और उसके चारों तरफ जो करंट फ्लो होता है, सपोज किसी वायर के अगर किसी वायर के अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स भी लगता है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द वायर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर। थर्ड पॉइंट लिखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। एंड फोर्थ पॉइंट लिखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा ऑफ द वायर। तो मैं भी शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस सारी चीज़ को थ्योरी में लिखेंगे, मैंने बस उसको एक्सप्लेन किया है यहाँ तक। अगर आप इसे डेरिवेशन को लिखोगे तो बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा, फिर तो मार्क्स कटेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता कट जाए, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेना, उसके बाद में आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, देन हम आगे चलते हैं। अब हम पता कराते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें सर्कुलर कॉयल के लिए कैसे फ्लो होती हैं। मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, दैट्स इट। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल, बहुत बढ़िया टॉपिक है। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल। सो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने स्ट्रेट वायर के लिए पढ़ा है, अब सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल है। आपने देखा होगा कि जो साइकिल होती है हमारे पास में बच्चों के चलाने वाली, मैं भी बच्चा ही हूँ, मैं भी चलाता हूँ, बहुत बढ़िया। जो साइकिल होती है उसके अंदर की जो रिम होता है और उसके जो ताड़ियाँ होती है चारों तरफ की, तो उन सारी को अगर हम निकाल लें तो वो एक ना हमारे पास में रिंग बचता है सिर्फ, ऐसा गोल गोल। तो उस गोल गोल रिंग के अंदर हमने करंट फ्लो कराना है। तो सपोज करो ये मेरे पास में वो साइकिल का रिम है, ये टन टन, उसका हम बुक वाला डायग्राम, बुक में कुछ इस तरह से बना रखा है उस डायग्राम को भाई, ए ए
ऐसे करके ला रखा है बुक के अंदर आपको, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये बना रखा है बुक के अंदर ऐसे, ठीक है। अब बुक के अंदर यहाँ से करंट फ्लो करा रखा है ऐसे, और वो करंट इधर के फ्लो होकर जाएगा ऐसे, जाएगा करंट फ्लो होके इस तरह से, करंट फ्लो होकर जाएगा इस तरह से, करंट फ्लो होकर जाएगा ऐसे, करंट फ्लो होकर बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। ये दिखा रखा है बुक के अंदर करंट यहाँ पे आई इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पे की बात कर लें, ये हमने गोल गोल ले लिया पूरा का पूरा, कोई बात नहीं, बढ़िया है, मज़ा आएगा इसमें भी। तो यहाँ से हमने ये ले लिया, यहाँ पे करंट फ्लो करा लिया। अब करंट फूंगा ऐसे आएगा घूम के टिश्यू। तो अब हमने यहाँ पे करनी बात ये है कि इस वायर के अंदर जो हम ले रहे हैं यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है इसे। जब करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये तो हमने पढ़ लिया, मज़ा आ गया। तो मैं यहाँ पहले आपको एक छोटे से लेवल पे बताता हूँ कि ये लाइनें किस तरह से ड्रॉ करेंगे, फिर इसके अंदर ही ड्रॉ करनी है हमने तो, लेकिन यहाँ से हमें समझ में आएगा। अगर हमारे पास में यहाँ करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऐसे बननी शुरू हो गई, ऐसे इस तरह से बनेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बनी यहाँ पे। लेकिन जब करंट ऐसे बना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनती गई बनती गई बनती गई। अब करंट उल्टी डायरेक्शन में आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हमारे पास में अब उल्टी हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस वाले पार्ट में होंगी वो इस तरह से आके यहाँ पे ऐसे मर्ज होती चली जाएंगी, ऐसे इस तरह से ऐसे। हाँ, मुझे करना यहाँ पे ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो इधर से जा रही थी, इसका मतलब अगर ये मान लो आप लोग कि ये हमारे पास में नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था इधर से करंट के लिए। अब जब करंट उल्टी तरफ से आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उल्टी होगी, तो ये सपोज इसका साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल पास पास में आते हैं तो वापस में मर्ज हो जाती हैं, और नॉर्थ पोल के साथ में आता है या साउथ पोल के साथ में आता है तो आपस में रिपल करने लगती है। कैसे करती हैं वो भी यहाँ देख लेते हैं बोर्ड में, हमें पता लग जाएगा। सपोज़ करो ये एक मैग्नेट है, ये हमारे पास में दूसरा मैग्नेट है। इस मैग्नेट से ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ये मैग्नेट का सपोज साउथ पोल ले लिया, हमने नॉर्थ पोल ले लिया, ये केस तो ये बनाया। दूसरा केस हम नीचे बना लेते हैं यहाँ पे, ये सपोज़ हमने साउथ पोल लिया, ये नॉर्थ पोल लिया, और ये वाला भी हमने फिर साउथ पोल ले लिया या फिर हमने नॉर्थ पोल ले लिया। अब यहाँ पे समझेंगे इस चीज़ को, हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगी साउथ पोल की तरफ को जाएंगी। इन्हें पोल को आगे पीछे करके रख लेते हैं, बात फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको जो समझ में आ जाएगा वो अच्छा रहेगा इस तरह से। तो ये हमारे पास में यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ वाला पोल है जनरेट होकर ऐसे क्लोज लूप बनाएंगी इधर को आई। अब इसका भी भाई ये नॉर्थ पोल है, निकल के इधर को आई। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइन और निकलेंगी वो इधर को आएंगी, इससे भी निकलेंगी ऐसे। अब ये जो दो आपस में लाइनें आ रही हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे, बल्कि होगा क्या, ये मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइन इधर को रिपोल करेगी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस साइड में को आएगी, तो दोनों जब आपस में एक दूसरे की तरफ को आएगी तो इसका मतलब इस सेम पोल आपस में रिपल करना स्टार्ट कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में मिलेंगी ही नहीं, क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, नॉर्थ और नॉर्थ दोनों एक तरफ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ज्योग्राफी का नॉर्थ बताओ, जो हमने सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट में किया था आज, बात क्या बात कही थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ज्योग्राफी के नॉर्थ की तरफ से निकलती हैं, क्या ज्योग्राफी के नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ को हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें एक साइड में दोनों की दोनों नहीं हो सकती, तो ये वाली लाइनें इसको रिपल करेंगी, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इसको रिपल करेंगी, तो दैट्स वाई दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगी। यानी कि इनका मतलब कहते हैं हम हिंदी से छोटी सी भाषा में, लड़ाई बच जाएगी। अब जो लड़ाई बचेगी ना, जो पावरफुल होगा पीट देगा कमजोर को, इसका मतलब जो मैग्नेटिक होगी ना पावरफुल वाली, वो कमजोर को पीट के यानी कि दूर बचा देगी, दूर भगाएगी पक्का, दूर भगाएगी पक्का पक्का। क्यों क्यों दूर इसलिए भगाएगी वो यहाँ से, क्योंकि जिसकी पावर ज़्यादा है वो दूर कमजोर को थोड़ा रिपल करेगी, एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ज़्यादा निकलेंगी, बात सिर्फ और सिर्फ ये है। तो उस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कभी भी नहीं मिलेंगी, रिपल करेंगी, तो सेम पोल रिपल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, कैसे वो यहाँ भी देख लेते हैं। अब हमने ये पढ़ाया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ को जाएंगी, ये गई टिश्यू देने की यहाँ पे,
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ गई, ये गई यहाँ पे टिशम देने की। ओह सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास में जो थी नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ गई ऐसे। अब अपने अगर इन्हें पास पास में रखा है तो इसका मतलब ये तो साफ है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल के गोल जाएगी सामने साउथ मिल गया, जाने की जरूरत क्या है, इतनी दूर यहीं चले जाओ बस, पड़ोसी घर में चले जाओ ना, पड़ोसी घर में भी हमें चीनी मिल सकती है, हमें दूसरे घर जाने की क्या जरूरत है। सेम वैसे ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाएंगे टिश्यू, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, अब मर्ज जाएंगी, कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल वहाँ नहीं जाएंगी, वहाँ भी जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, आपस में एक दूसरे को पकड़ लेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगी, खींच लेंगी। तो उसी वजह से जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हम जब दो मैग्नेट पोल अपोजिट वाले रखते हैं तो एक दूसरे को टाइट पकड़ लेते हैं, बढ़िया वाला करके ऐसे ही टाइट पकड़ा इन्होंने सच में बेहतरीन तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास में टाइट होके पकड़ लेंगे। तो सेम वैसे ही हम यहाँ जो बात करना चाह रहे हैं मेरे दोस्त को, तो हम यहाँ पे ये नॉर्थ लिया या साउथ लिया, अब इन दोनों का मर्ज कराना है, रफ कर दें इसे। सॉरी 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 हो, समझ में आ रहा है ना, सच में बता देना भाई, अगर समझ में ना आए ना दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छे वाला बता देना पर एक बार। तो ये हमारे पास में सपोज ये यहाँ तक गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है टिशू, करंट ऊपर को ऐसे घूम कर ऐसे, अभी ये हमारे पास में जब मैं करंट नीचे को तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नीचे वाली तरफ से इस तरह से ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वाले के लिए ऐसे थी। तो ये होगा क्या यहाँ पे, जब ये दो मैग्नेट का इस वाली तरफ से नॉर्थ पोल आएगा उस वाली तरफ से साउथ पोल आएगा तो आपस में मर्ज होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सीधी हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं इसके लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसकी तो ऐसे, उस वाले की ऐसे जो आ रही है आपस में मर्ज हो जाएंगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जनरेट हो जाएंगी इस तरह से। मैंने सारे एरो के निशान ऐसे क्यों बनाए, इसलिए बनाए ऐसे इधर को क्योंकि नॉर्थ पोल हम इसका ले रहे हैं तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के साउथ की तरफ हो जाती है तो उस वजह से इधर को ही जाएंगी। अब जब वो बीच से हमारी करंट जहाँ से टर्न हो रही थी तो वहाँ से वो नीचे को आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है जो लास्ट वाले बताई है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास में गोल सर्कल के रूप में ऐसे घूमी है, यहाँ पर ये घूमा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें बनानी थी सर्कुलर कॉइल, ये वाला डायग्राम बनाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइनों के बारे में ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस तरह से करंट बन रहा है उसे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करके दिखाया, और ड्रॉ करके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई है उन सारी को आपस में हमने इन दोनों को इधर से मर्ज कर लिया। तो मर्ज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको भी बनाना है, और इसी टॉपिक के बेस पे यानी किसी सर्कल के अंदर फ्लो होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में मर्ज हो जाती हैं। तो ये मर्ज जो हो रही हैं इसी टॉपिक के बेस पे अगला जो आने वाला टॉपिक है सोलेनॉइड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे बिकॉज ऑफ द क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।